सरकार किसानों को परेशान तो कर ही रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख का माने राकेश टिकैती और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे संसद का घेराव किया जाएगा और कई लाख आदमी दिल्ली को कूच करेंगे पूरे देश से। 2024 में किसान का तो अपना मन है, जिसको चाहे वोट दे दे, हमारे किसान यूनियन किसी को वोट दिलवाने का काम नहीं कर रहे। हम तो अपना लड़ रहे, हक मांग रहे। आज ये सरकार कल हो जाएगी उससे भी लड़ेंगे, ये हट जाएगी परसों कोई और आ गया उससे भी लड़ेंगे। किसान यूनियन किसी को वोट दिलवाने और सरकार बनाने का काम नहीं है किसान यूनियन का। किसान यूनियन कहता है भैया गाय सांड से निजात हो सकता है अगर मात्र 24 घंटे के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए ना, तो इन सांडों से मैं इतना निजात दिला दूंगा कि हो सकता है पूरे प्रदेश को बिजली भी फ्री में मैं दे सकता हूँ। टिकैत साहब के जमाने से चले आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर युवा तो अब जुड़ते रहेंगे, जैसे मरते आए ऐसे अगाड़ी चलते रहेंगे, जैसी सीख देंगे वैसी सीख पाएंगे। लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार कोई भी आए भाई किसानों को देखे, किसान अन्नदाता है, कैसे लूट में भागी हो जाएंगे हम लोग। ये नेता है मोदी है योगी है कहलवारे, तो मैं कह दूंगा ये इनकी सब नौकरशाही है, यही देश को लूट रहे हैं। अगर मान लो कोई ठेकेदार, अगर पुल का ठेकेदार मिलता है 10 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ रुपए में अधिकारी कहेगा ऐसे पास नहीं होगा ठेकेदार जी, पहले 2 करोड़ इधर चाहिए, 2 करोड़ वो लेगा, कौन लेगा? अधिकारी। आदाब, मैं साजिद मलिक हूँ, आप समाचार वाले दिख रहे हैं। आज हम शिकारपुर तहसील में पहुंचे हैं जहां किसानों ने धरना प्रदर्शन किया है और लगातार कई घंटे बैठने के बाद में इन्होंने अपनी जो डिमांड्स जो अधिकारी थे उनके सामने रखी हैं। हमारे साथ में जिला अध्यक्ष भी हैं जो भारतीय किसान यूनियन के हैं, टिकैत साहब के, उनसे बात करेंगे क्या क्या डिमांड थी, आखिरकार धरना किस बात को लेकर के लगाया गया था। हम लगातार देखते आ रहे हैं, हमने जो देखा था, जो हमने किसान पहले जो धरना लगाया था 13 महीने चला था, हमने उसको भी कवर किया था, वहाँ भी हमने सारी समस्याएं देखी थी किसानों की। लेकिन समस्या अभी भी जस के तस है, पहले दिल्ली जैसे शहर के पास हो रही थी, अब हर जगह पे हर तहसील पे होने लगी है। अध्यक्ष जी, जो आज की समस्या थी, जो यहाँ धरना लगा था, वो किस बात को लेकर के लगाया गया था? ये किसानों की शिकारपुर तहसील में विभिन्न समस्या थी, 250 किसानों पे बिजली की मीटर उखाड़ने की FIR थी, चकबंदी सुथे आवारा पशु, कई सारी मुद्दों को लेकर यहाँ पंचायत की गई थी, जिसमें क्षेत्र के समस्त किसानों का बहुत सहयोग रहा, हजारों की संख्या में किसान आए और अधिकारी भी पंचायत में बैठे और समस्या का समाधान कराया, और जो समस्या ऐसी थी जिनका मुआयना करके जाके देख के समस्या का समाधान करेंगे, उसमें एक हफ्ते का समय मांगा गया है कि जिससे हम इसका समाधान कर सकें, और हमें आश्वासन दिया है कि जो समस्या थी उसको हम खत्म कर देंगे। तो भारतीय किसान यूनियन से ये कहा गया है अगर एक हफ्ते में किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे रणनीति बना के उग्र आंदोलन किया जाएगा। अच्छा, अगर ये जो आपने कहा समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो इसका अगला स्टेप क्या रहेगा? जो किसान यूनियन है, क्या स्टेप रहेगा अगला? अब के कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा, DM साहब का घेराव किया जाएगा, जिससे जो जिले के प्रमुख जिलाधिकारी हैं, DM साहब हैं, वो जिले के लिए नियुक्त किए गए हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि किसानों के जो उत्पीड़न हो रहा है, जो समस्या हो रही है, उसका समाधान करें। अच्छा अध्यक्ष जी, हम लगातार देख रहे हैं कि अभी जैसे लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाते हैं, तब तो उनकी डिमांड कहीं सुनी जाती है, मतलब अधिकारी आ जाते हैं, सामने बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में फिर समस्या वहीं के वहीं रहती है। किसान लगातार परेशान है गाय वाले मामले को, सांड वाले मामले को लेकर के, फसल खराब हो रही है, एक्सीडेंट रोड पर हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी ना अधिकारी सुन रहा है, ना ही बड़े जो आजकल नेता बने बैठे हैं वो सुन रहे हैं। ऐसी समस्याओं कैसे समाधान निकालेंगे? देखो, कहीं ना कहीं अधिकारियों पे सरकार का दबाव है और सरकार जो है किसानों के खिलाफ काम करने का काम कर रही है। अभी 13 दिन मुजफ्फरनगर में धरना हुआ, 10 तारीख में बड़ी पंचायत हुई, वहाँ मीटर का समाधान हुआ कि भाई जबरदस्ती मीटर ट्यूबवेलों पर नहीं लगाए जाएंगे, SSP मुजफ्फरनगर ने मंच से बोला, और जो किसानों पर मुकदमे थे वो वापस करने के लिए भी SSP ने बोले, और जो किसान हमारे शहीद हो गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, उनको भी मुआवजा दिलाने की बात वहाँ कही है। तो आंदोलन, और जब तक पंचायत नहीं होंगी जब तक कोई भी समाधान नहीं होता है। पंचायत हुई है, समाधान होगा, समाधान नहीं होगा तो फिर आंदोलन होगा। यानी अगर समाधान नहीं होगा फिर आंदोलन आप करेंगे। अगर हम बात करें सरकार की, जिस तरह से हमने देखा कि जब 2022 का चुनाव आया, सरकार ने आपकी डिमांड्स गाजीपुर बॉर्डर वाली थी, उनको एक कह दिया कि हम उसके लिए कमेटी बनाएंगे। 2024 फिर आने वाला है, लगातार आंदोलन भी चल रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं फिर लॉलीपॉप दे दिया जाए किसानों के हाथों में? देखो, सरकार किसानों को परेशान तो कर ही रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि 20 तारीख का माने राकेश टिकैती और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पे संसद का घेराव किया जाएगा और कई लाख आदमी दिल्ली को कूच करेंगे पूरे देश से। तो कहीं ना कहीं निर्णय की ओर बात चल रही है, MSP की गारंटी हमें मिलेगी, जो प्रमुख संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि हमें MSP पे लड़ाई, कानूनी जामा MSP को सरकार पहनाए।
अच्छा, आपने कहा कि दिल्ली कूच करेंगे फिर से, हमने पहले भी देखा कि दिल्ली कूच हो रहा था, हमने देखा कि क्या उसका बवाल हुआ था, किस तरह से वहाँ पे पुलिस वालों को भी अटैक हुआ, दिल्ली घेराव के बाद में लेकर हमने देखा कि एक बवाल बन गया था, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से दोबारा से कुछ लोग इस तरह से मतलब परेशान करने जा रहे हैं उनको? ये पहले जब 13 महीने का आंदोलन चला उसमें माननीय राकेश टिकैत जी के और संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन के कारण ही तीनों कृषि कानून वापस हुए। ये पूरे देश को पता है कि जो तानाशाह सरकार कभी नहीं झुकी वो माननीय संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों ने झुका दिया। अब MSP की लड़ाई होगी और लड़ाई आर पार की होगी। अच्छा अध्यक्ष जी, 2024 में किसान किधर जा रहा है? 2024 में भाई किसान का तो अपना मन है, जिसको चाहे वोट दे दे, हमारे किसान यूनियन किसी को वोट दिलवाने का काम नहीं कर रही। हम तो अपना लड़ रहे, हक मांग रहे। आज ये सरकार कल हो जाएगी उससे भी लड़ेंगे, ये हट जाएगी परसों कोई और आ गया उससे भी लड़ेंगे। किसान यूनियन किसी को वोट दिलवाने और सरकार बनाने का काम नहीं है किसान यूनियन का। किसान यूनियन का काम है भाई जो सरकार मांगना, जो किसानों के हित में काम करेगी वो तो किसानों की सरकार, जो हित में नहीं करेगी वो उसको पलटने का काम किसान करेंगे। बात कर अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि जो किसानों के हित में सरकार काम करेगी वो हमारी सरकार होगी, जो हमारे हित में काम नहीं करेगी। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दादा पहले आपका नाम जानेंगे कि आप कहां से आए? मैं रोहतास सिंह देवतिया, किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष बुलंदशहर। दादा जिस तरह से अभी हमने देखा कि धरना प्रदर्शन हुआ है शिकारपुर तहसील के पर लेकर के, लगातार हमने देखा कि डिमांड्स भी रखी गई हैं, सरकार को जमकर किसानों ने कोसा भी है, कह रहे हैं कि सरकार बदल देंगे, सरकार पलट देंगे अगर हमारा काम नहीं होगा, तो क्या अगर सरकार आपकी नहीं सुनेगी तो 2024 में क्या करेंगे किसान फिर? ये क्या करेंगे किसान, जब दुखियाए हो जाता मरता क्या नहीं करता, जैसे पहले सरकार बदलती है ऐसे सरकार ही बदल जाएगी। सरकार किसान के लिए काम करे। हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ किसान सरकार जो किसान के हित में काम करे। जैसे अभी सरकार ने 1 अप्रैल से निजी नलकूप के लिए जो बिजली फ्री का जो अभी आदेश जारी किया, ठीक है जी, इसी तरह MSP पे जो कानून लिया भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे दे, किसान की फसल जो इससे नीचे नहीं बिकेगी किसान धन्यवाद करेगा। है जी, हमारी कोई निजी लड़ाई तो है नहीं सरकार, हमारी अपने हकों की लड़ाई, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, अधिकार की लड़ाई। तो अपने हक मांगने के लिए आए, हक मांगते हैं, हमारी किसी सरकार से कोई द्वेष नहीं, लेकिन जब किसानों को परेशान कराया जाता तो हम बार बार इनसे लड़ते, आज से नहीं है, हम टिकैत साहब के जमाने से चले आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। खैर युवा तो अब जुड़ते ही रहेंगे, जैसे मरते आए ऐसे अगाड़ी को चलते रहेंगे, जैसी सीख देंगे वैसी सीख पाएंगे, लेकिन हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार कोई भी आए भाई किसानों को देखे, किसान अन्नदाता है, किसानों के बगैर भूखे मर जाएंगे सब, ये हमारा कहना। तो सरकार में तो किसान इतना घाटे में जा रहा है, इतना घाटे में जा रहा है, क्या मैं भी एक किसान हूँ, मांगेराम त्यागी और किसान सभा से अध्यक्ष हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास 20 बीघा गेहूँ है, उसमें से 5 बीघे गेहूँ मात्र बचे, सारे गेहूँ को बाजार खाएगी, गाय खाएगी, अब बताओ रात भर हमारा काम है क्या करें? है जी, 12 का ये हो गया बिजली का, क्या मोदी योगी जी ने कही कि जहाँ 24 घंटे बिजली होगी वो उत्तर प्रदेश होगा, ऐसी कहा, आज एक बात बताओ, गांव की अलग कर दी, जंगल की अलग कर दी, जज्जर लाइन है, लाइन टूट जा हमें 6 घंटा बिना मिल रही। अच्छा, हम लगातार समस्या देख रहे हैं, सांडों किसान जो है गायों वाली जो किसानों को ख़राब हो जाती हैं, फसलें ख़राब हो रही हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन इस पे फिर भी सरकार आंखें मूंद कर बैठ जाती है। आप लोग प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है हम समस्या सुन लेंगे। ये हम कई बार से देखते आ रहे हैं, 6 साल होने वाले सरकार को, यूपी सरकार को भी, और 9 साल से ज़्यादा होने वाले आपकी सेंट्रल सरकार को भी, लेकिन ये समस्या अभी जस की तस है। तो क्या गाय और सांड का निदान होगा या नहीं होगा, या किसान ऐसे ही कर पाएगा? हो सकता है भैया, गाय सांड से निजात हो सकता है, अगर मात्र 24 घंटे के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए ना, तो इन सांडों से मैं इतना निजात दिला दूंगा कि हो सकता है पूरे प्रदेश को बिजली भी फ्री में मैं दे सकता हूँ सांडों से। जब पहले जमाने में बैलों से काम लिया जाता था, हल चलाए जाते थे, पानी भी खींचा जाता था और कोलू भी चलाए जाते थे, तो हमें बिजली बनाने के लिए टर्बाइन घुमाना है, और टर्बाइन घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? बल चाहिए, बल चाहिए ना, जिसके बल के लिए कोयला फूंकते हैं लोग, दुनिया भर का केमिकल फूंकते हैं, और हम जब 1 लाख सांड एक लाइन में जुड़ जाएगा ना, तो मैं सोचता हूँ कि भाई साहब पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली फ्री मिल जाएगी, क्योंकि मुझे टर्बाइन घुमाना है, केवल इन सांडों से घुमाना है, और एक दिन मुख्यमंत्री बनकर रहूँगा, और ये आदित्यनाथ योगी को मेरा चैलेंज है, मैं बनकर रहूँगा एक दिन, और इन सांडों से बिजली बना के रहूँगा, एक दिन दिखा दूंगा कि हाँ ये माइंड क्या होता है। मैं भारतीय हूँ, सत्यपाल सिंह भारतीय मेरा नाम है, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य हूँ, डिबाई विधानसभा पड़ती है मेरी,
वार्ड नंबर 45 से। अच्छा सतपाल जी, आपने कहा कि आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आपने कहा कि 24 घंटे को अगर मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप अगर मुख्यमंत्री सोचो कि हमने आपको बना दिया 24 घंटे के लिए, आपको ऑफर कर दिया गया, तो किन किन बिंदुओं पे आप मुख्यमंत्री बन के उन समस्याओं को दूर करेंगे पहले ये बताएं। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की यही है कि हमारे यानी देश में प्रदेश में ये गाय धन यानी इतना क्यों बढ़ रहा है या फिर ये क्यों छूटते हैं किसान। उसका मतलब यही है कि हमारे यहाँ सही तरीके से इलाज नहीं है, पशुओं का ठीक इलाज नहीं है। अगर सरकार ठीक तरीके से इलाज करती है तो मैं समझता हूँ हर आदमी गाय को रखने का, क्योंकि उसको भाई दूध चाहिए, हर किसी को दूध मिलेगा तो रखेगा भी। हमारे यहाँ इलाज नहीं है देश में, प्रदेश में, पूरे देश में इलाज नहीं है। अगर ये ठीक ठाक से इलाज हो जाए तो मैं इस बात का चिलन दे रहा हूँ, कोई भी गाय किसी के हाथ से जा नहीं सकती है। अगर सरकार के बस की नहीं है ना ये काम, तो सारे गाय जितने भी पूरे प्रदेश में सांड हैं वो पूरे मेरे हवाले कर दें, मैं दिखाऊंगा करके कि इन सांडों से मैं क्या कर सकता हूँ। कटने भी ले दूंगा, मरने भी ले दूंगा, और देश को वो सिस्टम दिखाऊंगा बना करके जो कोई ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी याद करेंगे। हाँ, अच्छा गाय से अलावा क्या करेंगे प्रदेश के युवाओं के लिए, क्या करेंगे किसान के लिए, क्या करेंगे? आपने बड़ी बात कह दी कि हमें 24 घंटे को मुख्यमंत्री बना। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए मेरा मानना यह है कि अगर मैं जैसा आपने बताया मुझे 24 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बनता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक 25 साल से ऊपर का व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति सरकारी नौकर बन जाएगा। क्यों? कि जो कंपनियाँ बाहर से आती है ना विदेशों से, जो हमारे यहाँ कमाती हैं पैसा, और ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं बड़े बड़े लोग सड़क बनाने का या पुल बनाने का, तो वो ठेकेदारी खत्म हो जाएगी। देश को केवल 3 लोग लूट रहे हैं, एक ठेकेदार लूट रहा है, एक ठेकेदार, दूसरा अधिकारी, और तीसरा व्यक्ति हो रहा है, मैं भी उसको बाद में बताऊंगा क्योंकि आपका न्यूज है। अभी तो लोग सुनना चाहते हैं कि तीसरा लोग कौन है, वो हम भी जानना चाहते हैं, सभी लोग जानना चाहते हैं कि तीसरा लोग कौन है जो इस देश को लूट रहे हैं। नेता। तो नेता बोलने में इतना क्या मतलब? भाई नेता इसलिए हो रहे हैं, नहीं कोई लड़ना नहीं है, लेकिन आप तो खुद भी नेता हैं, जिला पंचायत सदस्य थे, आप भी नेता हैं, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं लूट में भागीदार हैं। नहीं, कैसे लूट में भागीदार हो जाएंगे हम लोग? ये नेता है, मोदी है, योगी है, कह कहलवा रहे तो मैं कह दूंगा, ये इनके सब नौकरशाही हैं, यही दूसरे के देश को लूट रहे हैं। अगर मान लो कोई ठेकेदार, अगर पुल का ठेकेदार मिलता है 10 करोड़ रुपए का, तो 10 करोड़ रुपए में अधिकारी कहेगा ऐसे पास नहीं होगा ठेकेदार जी, पहले 2 करोड़ इधर चाहिए, 2 करोड़ पहले वो लेगा, कौन लेगा? अधिकारी। फिर नेता कहेगा अरे साहब कर दो, नेता बोला लो आप भी लो, 1 लाख उसमें 10 लाख लेता भी ले लेगा, तो ठेकेदार क्या कहाँ से लगाएगा? ठेकेदार मजदूरी कराएगा हराम की, मजदूरों को मजदूरी नहीं देगा, भगा देगा उनको, तो देश में गरीबी है। आपने तो योगी जी और मोदी जी पे उंगली उठा दी, आप कह रहे हैं कि योगी मोदी जी मतलब सबसे ज्यादा वो कर रहे हैं, मतलब करप्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें तो भाई योगी मोदी जी तो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। भाई बताओ आज योगी जी की वजह से गाय नहीं कट रही, पहले और सरकारों में गाय कटती थी, कहाँ बढ़ा रहे हैं आगे? गाय कटती थी, अरे गाय तो बिल्कुल नहीं कटेंगी भाई, गाय एक गाय नहीं कटेगी, सांड भी नहीं कटेगा, उसका दिमाग होना चाहिए इसको ठीक तरीके से रखने का। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इन लाखों करोड़ों सालों से ऐसा प्लांट बना दूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली फ्री में दे दूंगा। अच्छा ठीक है, वो आप दे देंगे, जिला पंचायत सदस्य होने के नाते आप अपने जिला पंचायत में जो आपके अंडर पंचायत आती है उसमें कितना काम अभी तक आपने किया है वो हम आपसे जानना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अब आपको हो सकता है बाद में बन जाए, लेकिन आपने जो पंचायत है आपने उसमें कितना काम किया है, किसानों की समस्याएं कितनी उठाई हैं, गायों की समस्या कितनी समस्या उठाई है वो हमें बताएं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि यानी भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि अगर कोई भी जिला पंचायत सदस्य हो या विधायक हो, अगर इंडिपेंडेंटली है तो उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना ही उसको काम दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा की निधि होती है लेकिन जिला पंचायत सदस्य कोई निधि नहीं है, जिला अध्यक्ष निधि होती है। अगर जिला अध्यक्ष को हमने लेटर लिख कर दे दिया जी ये काम होना है वो काम होना है, उनकी मर्जी है वो करें ना करें, लेकिन यह वर्तमान ये हो रहा है कि जो भाजपा के जितने भी जिला सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके तो काम एक नहीं 10-10 काम हो रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी इंडिपेंडेंटली यानी निर्दलीय जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं, किसी के वार्ड में भी एक ईंट नहीं लगाई जा रही है। तो आप निर्दलीय हैं या बीजेपी से हैं? निर्दलीय हैं। तो आपके यहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप भी कराइए ना काम अपना, धरना करिए, प्रदर्शन करिए। आप तो अभी मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं, लोगों के हक की बात कर रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य है ना, अध्यक्ष नहीं लड़ पाएंगे आप अपने हक के लिए? अध्यक्ष उसको वो पैसे वाले लोग लड़ते हैं। तो भैया आप भी तो जिला पंचायत सदस्य है ना? अब सुनिए, वो आज से कुछ महीने पहले मैंने सभी जिला पंचायत सदस्यों को पत्र लिखा था, जिसमें डॉक्टर अनतुल तेवतिया के खिलाफ जो मैंने अपनी कार्रवाई करी थी उसमें मुझे 4-5 थानों की पुलिस ने मुझे दबाव डाल दिया, और गवाह है यही किसान यूनियन, इन्हीं ने मुझे बचाया था उस समय, इन्होंने मुझे फंसा दिया, यानी 4-5 थानों की पुलिस भेज दी कि भाई इस आदमी की आवाज़ दबाओ, ये आदमी आगे बढ़ रहा है, ये आदमी आगे बोल रहा है। क्यों? कि भाई विकास वो करते नहीं, आवाज़ भी उठाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, तो आवाज़ तो उठाएंगे हम।
नहीं, जो क्रांतिकारी होते हैं उनकी आवाज़ दबाई जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ जो क्रांतिकारी आवाज़ दबती है वो दबता नहीं है, फिर और उछल के वो और ऊपर जाता है। तो आप उछल के ऊपर गए नहीं गए या फिर दब के रह गए आप उनसे? नहीं, उछल के ऊपर गए भाई, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अध्यक्ष ने बिगाड़ भाई, अपने पंचायत जो आपकी पंचायत है जहाँ के आप सदस्य हैं, वहाँ फिर आपने काम वापस लेके आ पाए नहीं लेके आ पाए? काम वापस के लिए दिए हैं, लेटर करेंगे, उनकी मर्जी है, वो नहीं करेंगे तो भैया मर्जी, फिर वही वाली बात कर रहे हैं आप, हमसे कह रहे हैं मर्जी नहीं, आप जिला पंचायत सदस्य हैं, आप मेंबर हैं उसके ना, जिला पंचायत का मेंबर हैं, तो आपका हक बनता है कि अपनी पंच, मैंने कहा ना कि आप मुख्यमंत्री बनने की बात कह दी आपने कि 24 घंटे का मुझे मुख्यमंत्री बना दो मुझे, बट मैं कह रहा हूँ आपसे सीधा मेरा फंडा कि पहले आप जहाँ के सदस्य हैं, जिस पंचायत के आप सदस्य हैं, अपनी पंचायत में तो लोग काम कराइए। आप कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का पंचायत सदस्य नहीं हूँ इसलिए मेरे साथ काम नहीं करने दिया जा रहा, यही हो रहा है भैया। तो मैं कहता हूँ ना, लेकिन तो आप अपनी आवाज उठाएं ना, अधिकारियों से कहें, उनकी शिकायत करें। मंडली जो जिला पंचायत सदस्य हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, खाली बुलंदशहर की ही नहीं है, आप किसी भी जिला पंचायत सदस्य के बाढ़ में जाकर देख लीजिए, अगर एक ईंट भी लगी हो। अरे हम फिर वही वाली बात पे फिर आ गए आप, हम कह रहे हैं कि नहीं लगी ईंट, तो क्यों नहीं लगी है ईंट, इसकी वजह क्या है? आप सदस्य हैं, यही है कि वो नहीं चाहते हैं कि छोटे नेता जो है जमीन से जुड़े हुए या आगे बढ़े, विपक्ष के, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली हम सरकार के उसके भाजपा के लिए हैं, इसलिए वो विकास नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर है कि अगर ये आदमी अगर विकास करेगा तो ये आगे बढ़ जाएगा। अरे तो आप फिर आवाज उठाएं ना, आपने कहीं और जगह शिकायत करें, जिले पंचायत अध्यक्ष से ऊपर कोई होता होगा ना, वहाँ आप शिकायत करें, वहाँ नहीं करेंगे शिकायत? मैं बस मुख्यमंत्री का रास्ता है सीधा, वहीं जाना है मुझे एक दिन, और मुख्यमंत्री के पास जाना है। तो कितना टाइम हो गया आपको जिला पंचायत सदस्य बने हुए? यही करीब 2 साल। 2 साल में अभी नहीं पहुँच पाए मुख्यमंत्री? अभी तो केवल मैं जिला अध्यक्ष को देख रहा था, भाई कर दें काम तो अच्छी बात है, हाथ जोड़ के कर दें, बिंदी जोड़ के कर दें, किसी भी तरह नहीं करते हैं तो फिर पहले तो उनके खिलाफ मैंने कर दिया है मामला, अब वो नहीं करेंगे तो फिर मुख्यमंत्री जी के पास जाया जाएगा। अभी सोच रहे हैं मुख्यमंत्री के पास जाएंगे? जाएगा, सोचेंगे नहीं, जाया जाएगा। तो यानी काम करा के मानेंगे? बिल्कुल करा के मानेंगे। तो जिला जो आपके जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनसे डरेंगे तो नहीं कि वो आपको डरा रहे हैं, पुलिस आ रही है आपके यहाँ पर, आपको धमका रही है, तो डर तो नहीं जाएंगे कभी लगा अपने अपने वार्ड में काम ही नहीं कराया? क्यों डरेंगे जी, हम डरने वाले नहीं है, उनका सुनो, डरने वाले नहीं भैया, हम तो जिएंगे तो भारत के लिए, मरेंगे तो भारत के लिए। हमारे साथ में ये थे जो अभी यहाँ किसान धरने पर पहुंचे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे का मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं देश की जो प्रदेश की उसकी हालत भी बदल दूंगा। अभी हमने सवाल किए जिला पंचायत सदस्य भी हैं अपने वार्ड के, हमने कहा कितना काम करा पाएं कितना नहीं, तो इन्होंने सीधा सीधा जो इल्ज़ाम लगाया है वो जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भी लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी का वार्ड मेंबर नहीं हूँ इसलिए मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन अगर मैं मेंबर होता तो शायद मुझे काम करने दिया जाता। जो यहाँ पंचायत हुई थी, पंचायत में सभी ने अपनी अपनी समस्याएं बताई थी, किसानों ने सीधा सीधा अधिकारियों से फेस टू फेस, वन टू वन बात की है, उनको अपनी समस्याएं भी बताई हैं, हाथ के हाथ अधिकारी को घेरा भी है। कैमरा पर्सन एम शेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।